हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, सब मस्त होंगे। तो गाइस अभी हम आपको जो व्यू दिखा रहे हैं वो खड़िया की कोल माइंस है। तो आप देख सकते हो इधर का व्यू, और काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ का। ये देखिए, ये हाँ ये माइंस वगैरह का काम चल रहा है। ये देखिए वो पीसियाँ वगैरह लगी हुई हैं, सारा कुछ वॉल्वो अब वॉल्वो भी चल रही हैं। और वो आपको पहाड़ दूसरे दूर से दिख रहे होंगे, वो डंपिंग एरिया है। और ये जो रास्ता आता है इधर से, अभी हम लोग आए हैं, और ये देखिए ये जो है ये पूरा घना जंगल है गाइस, पूरा। ये देखिए ये काफ़ी घना जंगल है, जंगलों को ही काट के गाइस इसमें माइंस वगैरह जो है वो बनाई गई है। और बने रहिएगा व्लॉग में, और आपको आगे भी अब लौटते समय भी दिखाएंगे, रास्ते का पूरा व्यू दिखाएंगे। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हो, ये देखिए ये पानी फ्लो हो रहा है काफ़ी तेज़ी से। तो ये जैसे कि बारिश वगैरह का सीज़न है, तो बारिश वगैरह में ना जो माइंस वगैरह में, जैसे वो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया जो कि वहाँ माइंस में पानी जमा हुआ है, तो बारिश का पानी है जो माइंस में जमा हुआ है, तो वो उस पानी को इन्होंने काट के और इधर जंगल के साइड बहा रहे हैं। और वो देखिए आपको शायद साउंड भी आता होगा पानी का, तो मैं थोड़ा सा आपको आगे चल के दिखाता हूँ। ये देखिए, तो ये वहाँ से वो आप देख रहे हैं, वहाँ से वो उधर माइंस है, पूरी माइंस से पानी जो है निकल रहा है। और ये ऐसे 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 इधर से होके, और ये देखिए ये पूरा जंगल के साइड जा रहा है। और काफ़ी मौसम भी गाइस काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छा हुआ पड़ा है, और काफ़ी कड़ा सा मौसम है। और आप देख सकते हैं कि कोल माइंस जो है अपना एमपी, तो गाइस एक्चुअली में है ही कोल माइंस के नाम से ही, पूरे मतलब ये स्टेट ही कोल माइंस के नाम से बड़ा पॉपुलर है। और NCL है, और प्राइवेट सारी कई कंपनियां यहां के काम करती हैं, जैसे BPR है, GS कंपनियां हैं, रिलायंस इंडालको है, बहुत सारी कंपनियां जो भी कोल माइंस के टेंडर सप्लायर काम करते हैं वो यहीं आके अपना माइंस के थ्रू ही कोयला शिफ्टिंग वगैरह का काम इधर उधर करते हैं। तो पानी का आवाज़ आपको देखिए आ रहा होगा, तो अभी बने रहिएगा इस ब्लॉग में, आपको और भी अच्छे अच्छे व्यू और माइंस के अच्छे अच्छे व्यू और जंगल के अच्छे अच्छे व्यू दिखाएंगे। देखिए अभी हम घर जा रहे थे तो ये रास्ते से उतरे, और ये देखिए इधर भी जंगल है काफ़ी घना, और ये देखिए रास्ते के इस साइड भी कितना घना जंगल है। देखिए गाइस ये देखिए, वाह, ऊपर से बारिश भी हो रही है, और कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ का, वाह। और पक्का है गाइस कि इसमें भालू और लेपर्ड वगैरह तो पक्के ही होंगे, तो बने रहिएगा व्लॉग में। अभी और आगे चलते हैं, और आप आगे आपको और भी अच्छे अच्छे व्यू दिखाते हैं। गाइस ये देखिए क्या व्यू है यहाँ का, गाइस ये देखिए आप, ये जो रोड यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये रोड वो जो डंपिंग ऊपर में दिख रही है ना माइंस की, ये सीधा रोड वहां तक था। और ये रोड जो है ना, ये माइंस इतनी तेज़ी से इधर फैल रही है
कि ये देखिए ये रोड जो है ये यहीं तक कटिंग होके यहाँ तक बंद हो गया है। ये देखिए आप ये देख सकते हैं, यहाँ जितने भी गांव वगैरह घर थे सब टूट टाट गया है, सबको भगा दिया गया यहाँ से मुआवजा वगैरह पे करके। और ये देखिए हम आपको यहाँ से माइंस का व्यू दिखाते हैं, ये देखिए वो देखिए पीसी खड़ी है वहाँ पे काम कर रही है, वो देखिए ये पूरा डंपिंग एरिया है गाइस, ये पूरा डंपिंग एरिया, वो देखिए कोल माइंस जो है वो कैसे काम कर रही है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए वहाँ भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं वॉल्वो वगैरह जो मिट्टी उठा उठा के इधर उधर भेज रही हैं। ये देखिए ये गाड़ियाँ लोड होके आ रही हैं, वो डंपिंग करके और डंपिंग एरिया से वापस वहाँ लोड होने जा रही हैं, वो भी उठाने आ रही हैं। ये देखिए इस तरीके से पहाड़ वगैरह ये देखिए काटे गए हैं यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा वो देखिए कि सनसेट हो रहा है वो भी काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए कितना ही अच्छा माइंस का जो है व्यू है और ब्यूटीफुल लोकेशन है गाइस। ये माइंस का एनसीएल का काम इतने जोरों शोरों से गाइस यहाँ चल रहा है ना, और जो प्राइवेट कंपनियाँ ऐसे बीपीआर वगैरह वे सबको ठेका मिला हुआ वो ये सब मिट्टी वो भी उठाती हैं और एनसीएल को नीचे से कोयला निकाल के जो है तो वो देती हैं, तो एनसीएल फिर उस कोल माइंस पे उस पर काम करती है। और देखिए काफ़ी ही खूबसूरत व्यू है यहाँ का। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे आपको और एनसीएल के बारे में और माइंस के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।